गवाही देना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मेरा ये मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब कोई पैरामीटर होने चाहिए। दो आप लोगों ने तीन चार चीज़ें निकाली हैं, एक तो ये कि ओपिनियन पोल जो हो रहे हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं, तो ओपिनियन पोल बंद नहीं होने चाहिए, ओपिनियन पोल की कुछ गाइडलाइन बननी चाहिए और गाइडलाइन में ये होना चाहिए कि जो भी रॉ डेटा आता है वो पब्लिक में आए, मेथडोलॉजी पब्लिक में आए और इसको इलेक्शन कमीशन पहले एग्जामिन करे कि जो भी एजेंसी ने सर्वे किया वो ठीक किया, जब इलेक्शन कमीशन उसको वो कर दे तब उसको पब्लिक में रिलीज करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये दिखाई कि जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं उसके लिए पैसा दे दिया जाए तो कुछ पार्टियां पैसा देके उसको ऊपर नीचे करवाती हैं और कुछ चैनल्स और एडिटर्स इसमें मिले हुए हैं, तो हमारा ये कहना है कि चैनल्स को अब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए कि किस चैनल में कितना पैसा लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, ये पब्लिक होना चाहिए और किस चैनल का मालिक किस पार्टी से संबंधित है ये पब्लिक होना चाहिए। हर एडिटर का एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न और सोर्सेज ऑफ इनकम पब्लिक होनी चाहिए और ये पूरा जो आपने कल दिखाया है इसके लिए इसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम होनी चाहिए जो इस पूरे मामले की तहकीकात करे और जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जब भी हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी या केंद्र के अंदर हमारी चलेगी या सरकार बनेगी तो हम इस मामले की तह तक आपसे सीढ़ी लेंगे हम लोग और इसकी तह तक। मैं यही कह रहा हूँ, पिछले एक साल में जितने ओपिनियन पोल हुए उन सबकी जांच होनी चाहिए, आप लोगों के सीडी में जो जो वाक्य निकल के आए उनकी जांच होनी चाहिए और ये पूरा जो एक बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र है इससे ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पैसे दे के सर्वे करवा रहे हैं, पैसे दे के चैनलों पे स्टोरीज चलवा रहे हैं, तो मोदी जी ये बताएं कि कितना पैसा किस चैनल को दिया, कितना पैसा किस एजेंसी को दिया, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है जो आप लोगों ने एक्सपोज किया है।